हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ दो रेसिपीज एक्स्ट्रा शेयर करने वाली हूँ और ये दो रेसिपी ना बहुत जल्दी झटपट से बन जाती है और इसको आप एज अ स्टार्टर पार्टी में सर्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी चिली मशरूम की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मशरूम लिया है, बॉटल मशरूम। अब मैं इस मशरूम को बहुत अच्छे से आटे के साथ कोट करके क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। मशरूम को क्लीन करने का जो फुल प्रोसेस है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है चैनल पे, मैं आपको वीडियो मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करना। अब देखिए मेरे मशरूम्स भी धुल के आ गए हैं। अब जैसे हम लोग चिली चिकन बनाने के लिए पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं, उसी तरह से मैं मशरूम को मैरिनेट करूँगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 चम्मच मैदा लिया है, उसके साथ नमक, चीनी और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और उसके साथ 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा ऑयल दे दूँगी। इससे मैरिनेशन बहुत अच्छा होता है, कोटिंग बहुत अच्छा होता है। इससे ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मशरूम के साथ मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं मशरूम को 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने दे दूँगी। और तब तक मैं थोड़े से वेजिटेबल्स चॉप कर लूँगी। वैसे तो मैंने सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं पर थोड़े वेजिटेबल्स चॉप करना है अभी, तो मैं यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंग अनियन चॉप कर रही हूँ। इसके बाद मैं कैप्सिकम को चॉप कर लूँगी, क्योंकि हम चिली मशरूम की रेसिपी बना रहे हैं तो इस पर हम लोगों को जो वेजिटेबल्स है उसको फाइनली चॉप नहीं करना है। इसको इस तरह से मोटा मोटा डाइस करके आप काट लीजिए। यहाँ पर कैप्सिकम भी मेरा कट चुका है, अब मैं अनियन काट लूँगी। अगर आपको वाइट अनियन पसंद है तो आप वाइट अनियन भी ले सकते हो या फिर कोशिश कीजिए थोड़ा बड़ा अनियन लेने का। मेरे पास बहुत लार्ज साइज़ का अनियन नहीं था तो मैंने इसी अनियन को लिया है। अब मैं इस अनियन को भी डाइस करके काट लूँगी और इसके जो पेटल्स है इसको अलग कर लूँगी। अब मैं इसमें एक टमाटर भी काट के डाल दूँगी। टमाटर ना मैंने थोड़ा सा रॉ टमाटर लिया है, मतलब एकदम जो लाल टमाटर है वो आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसका जो स्किन है वो गल जाता है। हमें टमाटर का जो आउटर पोर्शन है वही लेना है, अंदर का जो पल्पी पोर्शन है उसको आप किसी दूसरे सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेना है और उस पर ऑयल दे के पहले मशरूम को फ्राई कर लेना है। मशरूम थोड़ा स्टिकी हो जाता है पैन में तो आप ध्यान रखिए और धीरे धीरे इनको पैन से हटाइए और इस तरह से लो फ्लेम में इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स लो फ्लेम में फ्राई किया है और मेरे मशरूम सारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब मैं ये सारे मशरूम को अलग निकाल लूँगी और उसके बाद सेम पैन में मैं 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली जो है वो डाल दूंगी। अब इसको लो फ्लेम में मैं एकदम क्रिस्पी होने तक पका लूंगी और जब तक वो पकता है मैं यहाँ पे जो हम लोग का बचा हुआ मैरिनेशन था उस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा पानी दूंगी और इस पर सोया सॉस ऐड करूंगी, टमाटो सॉस और विनीगर, और इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके एक घोल बना लूँगी। मैंने सारे चीज़ों की क्वान्टिटी मेरे वीडियो में देख के रखा है तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरा सॉस जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि लम्स ना रहे सॉस पे। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। आप देख सकते हो जो गार्लिक और जो अनियन थे वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब जो डाइस किए हुए वेजिटेबल्स मैंने किए थे वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब मैं फ्लेम को हाई कर दूँगी और हाई फ्लेम में हमें इसको 1 मिनट के लिए भूनना है क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं है। चिली चिकन में जैसे रहता है या फिर कोई भी आप चाइनीज़ डिश में देख सकते हो जो वेजिटेबल्स है वो थोड़ा क्रंची रहता है, तो हमें वैसे ही रखना है। 1 मिनट मैंने भून लिया हाई फ्लेम में। अब जो मशरूम्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी
और मशरूम ऐड करने के बाद मैं एक मिनट फिर से पका लूँगी, और उसके बाद जो हम लोगों ने सॉस का जो मिक्सर बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। अभी भी आपको फ्लेम को हाई रखना है। मैंने इसको हाई फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए और पका लिया है। आप देख सकते हो पूरा जो पानी है वो सूख गया है, और क्योंकि मैं इसको एज अ स्टार्टर पेश कर रही हूँ तो मैं इसको ड्राई ही रखूँगी। अगर आप इसको मेन कोर्स पे आप इसको सर्व करना चाहते हो तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा दे सकते हो इस पर, इससे ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा बन जाएगी। अब मैं इसमें ढेर सारा स्प्रिंग अनियन ऐड कर दूँगी, इससे एक अलग सा फ्रेग्रेंस आता है और अलग सा एक फ्रेशनेस भी ऐड हो जाता है। और मेरा ये चिली मशरूम रेडी है, मैं इसको सर्व करूँगी और डेकोरेट करूँगी थोड़े से रोस्टेड तिल के साथ। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा। और जिस तरह से मैंने मशरूम को क्लीन किया, अगर आप उस तरह से मशरूम को क्लीन करोगे तो कुछ लोगों को अगर मशरूम से एलर्जी होता है तो वो भी नहीं होगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं आपको मेंशन कर दूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो है तवा एग फ्राई। ये पहले रेसिपी से और भी ज़्यादा आसान रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे 4 अंडे को उबाल के उसको बीच में से हाफ कट करके रख दिया था। अब पैन में आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है और उस पर ये सारे अंडे आपको दे देने हैं। और अभी मेरा मीडियम फ्लेम में मैंने रखा है पैन को, और अंडों के साथ ही मैं यहाँ पे 1 चम्मच फाइनली चॉप्ड जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज ऐड कर दूँगी, ताकि तेल में ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और इससे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस भी आएगा। और इसके साथ मैं थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। अब इनको मैं 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी, जब तक कि कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। देख सकते हो मसाले जो है वो फ्राई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अब मैं पैन में थोड़ा सा और ऑयल दे दूंगी, और इस पे मैं स्लाइस किए हुए अनियन, शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर भी ऐड कर दूंगी, और उसके साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूंगी। और इन सारे चीज़ों को हम लोग को हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। जो लोग डाइटिंग करते हैं वो लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और उस टाइम पर अगर आप वाइट या सनफ्लावर ऑयल को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, या फिर डाइट के लिए जो भी ऑयल आपको लगता है यूज़ करना सही होगा वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा, जो डाइटिंग करते हैं जो लोग, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक स्टार्टर है। और अगर आप एक लवर्स हो तो क्या ही कहने, तो मेरी तरह जो भी एक्स लवर्स है उनको ये रेसिपी ज़्यादा पसंद आएगी, आई नो। तो वैसे दो ही मेरे फेवरेट आइटम्स हैं, मुझे मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है और एग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको कौन सा वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा रेसिपी आपने ट्राई किया, ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हो मैंने 1 मिनट अच्छे से भून लिया इसको हाई फ्लेम में। अब मैं इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल दूँगी और बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। अब गरम गरम सर्व करो। मैंने इसको सेसमी सीड्स और थोड़े से धनिया के साथ डेकोरेट किया है और सर्व किया है। तो एक तवा फ्राई भी रेडी है। तो मेरा ये दोनों रेसिपी रेडी हो गया है, और मैंने इन दोनों रेसिपी को विद इन 30 मिनट्स रेडी किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।